तो इंडिया में भी वीपीएन बैन हो सकता है और मुझे लगता है प्रॉब्ली हो भी जाएगा। बेसिकली हमारी होम मिनिस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है, उसने गवर्नमेंट को ये बोला है कि भाई आप इंडिया में सारे के सारे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन्स को ब्लॉक कर दिया जाए, सेम उसी तरीके से जैसे बाकी कंट्रीज जैसे कि चाइना, इराक, ओमान, रशिया, यूएई, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने करा हुआ है। लेकिन ये बैन क्यों? बेसिकली उस कमेटी का कहना है कि भाई वीपीएन जो सर्विस है ये काफ़ी हार्मफुल हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कि भाई जो क्रिमिनल है उसकी आइडेंटिटी अनोनमस रह जाती है। इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी वॉल्स भी अगर किसी नेटवर्क पर लगी रहती हैं तो वो भी बाईपास हो जाती हैं काफ़ी सारे केसेस में। अब वीपीएन क्योंकि सारी की सारी हमारी इंटरनेट की एक्टिविटी को ट्रैक कर लेता है, अगर आपको नहीं पता वीपीएन कैसे काम करता है तो वीडियो मैंने बनाई हुई थी, जाके देख लेना। तो वीपीएन हमारी जो इंटरनेट एक्टिविटी है उसको एनक्रिप्ट कर देता है। बेसिकली जो वेबसाइट हम विजिट कर रहे होते हैं प्लस जो हमारा आईएसपी होता है, दोनों से ही सारी की सारी चीजें छुप जाती हैं। लेकिन वीपीएन का मेन यूज क्या है कि हम कोई भी एक्टिविटी को अगर करें तो वो कोई थर्ड पर्सन उसको देख ना पाए। यही दिक्कत है गवर्नमेंट को कि भाई अब देखो यहां पे ना एक सीन और भी हो सकता है जो मुझे ऐसा फील होता है कि गवर्नमेंट इस तरीके से भी चीज़ों को मैनेज करती है कि पब्लिक में ज़्यादा रेज ना हो। मतलब अगर इंस्टेंटली अगर बोल देंगे कि हमको आप लोगों की सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह चेक करनी है और इस ये सब चीज़ें, तो ऐसे में पब्लिक बिल्कुल सड़कों पे उतर आ जाएगी, दिक्कत करेगी गवर्नमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का कोई मेन प्रोस्पेक्ट इस तरीके का हो सकता है कि जैसे बड़ी हैवी वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हों, टेररिस्ट के कुछ लेन देन हो रहे हों, इस तरीके की कोई चीज़ उनको ट्रैक करनी हो, जिसकी वजह से उनको चाहते ना चाहते हुए पूरी कंट्री के ऊपर इस चीजों का बैन लगाना पड़ेगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज यहां पे हो सकती है। लेकिन एक तरफ को देखते हैं कि आईटी रूल्स वहां पे स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं, ट्विटर पे कुछ लिख नहीं सकते, वीपीएन हम यूज कर नहीं सकते, पता नहीं क्या होगा। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताना इस बारे में। क्या फ्री वाले वीपीएन भी बंद हो जाएंगे? उसके लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज इंटरनेट पे या पूरी दुनिया में फ्री नहीं है। बेसिकली जो फ्री वाले वीपीएन हैं वो आपका डेटा सेल करते हैं। तो मतलब आप किस तरीके की वेबसाइट्स को विजिट करते हो वीपीएन लगा के, आपकी आईपी एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें वो लोग बड़ी ऐड कंपनीज को सेल करते हैं जिससे आपको टारगेटेड एड्स दिखाई जाएं। तो नेक्स्ट टाइम अगर ब्राउज करते हुए कोई अश्लील फोटोज या वीडियोज आपको दिखाई दे रही हो तो समझ जाना आपका डेटा बिक चुका है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे वीपीएन ही आपका डेटा सेल करते हैं। कुछ कुछ वीपीएन जो अच्छे पेड वीपीएन होते हैं उनकी आप सर्विसेज ले सकते हो और ऐसे में वो आपको सिक्योरिटी तो देते ही देते हैं, प्लस आपका कोई डेटा वहां पे सेल नहीं होता है। कुछ अच्छे वीपीएन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। एफिलिएट वाले नहीं होंगे, होते हैं तो मैं बता देता हूं। तो सबसे ज्यादा यहां पे दिक्कत किसको आएगी अगर वीपीएन यहां पे बंद हो जाते हैं तो? नहीं, सारे वो सिंगल लोंडे जो दरवाजों के पीछे वीपीएन यूज़ करते हैं उनको सारी दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि इस वीपीएन का यूज़ बड़े बड़े ऑफिसेज में भी होता है जो अपने डेटा को एक्सचेंज करती हैं सारी ब्रांचेज में। बेसिकली वीपीएन इसलिए यूज़ करते हैं सारे के सारे कॉर्पोरेट्स के अंदर, जिससे कि उनकी जो भी इंटरनल सारा डेटा है, जो भी डीलिंग है या फिर जो भी आइडियाज़ हैं, वो कहीं भी किसी भी तरीके से लीक ना हो जाए। तो ऐसे में इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो वीपीएन को यूज़ करना इज़ अ मस्ट है उनके लिए, अपनी सारी वर्किंग के लिए। ऐसे में मुझे लगता है 100% तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि चाइना में लोग बोलते हैं कि इल्लीगल है वीपीएन यूज़ करना, काफ़ी सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है, लेकिन वहाँ का सीन ही अलग है। गवर्नमेंट ने कुछ वीपीएन्स को अपने हिसाब से अप्रूव किया हुआ है कि भाई आप ये वाले सारे वीपीएन्स यूज़ कर सकते हो, और वही वीपीएन्स बेसिकली सारा का सारा डेटा लोग गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं जब भी गवर्नमेंट चाहे। शर्त यही है गवर्नमेंट की कि वीपीएन आप यूज़ कर लो, लेकिन हमको आपका डेटा देखना है कि भाई आप किस टाइम पे क्या चीज़ एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट पे या फिर एक्सचेंज कर रहे हो। इंडिया में वीपीएन सर्विसेज की डिमांड हाइक आई थी पिछले साल जब एकदम से पबजी बैन हो गया था, तो सारे लौंडे जो हैं पबजी को वीपीएन कनेक्ट करके खेल रहे थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अगर वीपीएन बंद होता है तो, जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इन तरीके की जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं दूसरी कंट्रीज की कैटलॉग्स को एक्सेस करके वहां के टाइटल्स देख लेते हैं वीपीएन लगा के। हालांकि नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली एक अपडेट निकाला था जिसमें उसने स्ट्रिक्टली ये बंद कर दिया था वीपीएन वाला सिस्टम, लेकिन फिर भी जुगाड़ू बहुत हैं।
तो यहाँ पे उन लोगों को दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी अभी रिसेंटली सर्विलेंस बिल पास हुआ है, जिसमें वहां की गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री के सारे डिवाइसेस को इस बिल के अंदर ले आए हैं। इसका मतलब वहां की गवर्नमेंट पुलिस जब चाहे जिस चाहे डिवाइस की पूरी हिस्ट्री चेक कर सकती है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको हो जाएगी सीधा जेल। तो ये पूरा सीन है यहाँ पे, और इसी को लेके वहां की जो जनता है वो पूरी की पूरी रोडों पे उतर आई है। तो क्या फाइनली इंडिया के अंदर वीपीएन को बैन करना पॉसिबल है? इतनी सारी कंपनीज हैं, छोटे छोटे ISPs हैं, क्या किस किस लेवल तक ये जा सकता है? शॉर्ट आंसर है हाँ, बैन हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली दो चीजें होती हैं जो वीपीएन कंपनीज होती हैं, वो दो चीजें यूज करती हैं। पहली चीज पोर्ट्स और दूसरी चीज प्रोटोकॉल्स। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे ISPs को ये बोल दे कि आपके रडार के ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल्स और पोर्ट्स जो दिख रहे हैं जो वीपीएन कंपनीज यूज करती हैं, उन सबको ब्लॉक कर दो, तो काफी हद तक वीपीएन चलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जो छोटे वाले ISPs होते हैं, लोकल ISPs होते हैं, जिनकी इतनी ज्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन वाले सर्विसेज के ऊपर कुछ हद तक ये VPNs फिर भी काम करते रहेंगे। पास्ट में जियो भी इस तरीके से नोटिस में आया था, वो SNI बेस्ड फिल्टरिंग यूज कर रहे थे, जो सारी वेबसाइट्स उनको नहीं खोलनी थी वो सारी ब्लॉक करने के लिए। तो ये पूरा सीन है। मेन चीज यहां पे देखनी ये होगी किस लेवल पे इंडिया अगर इसको लेके आता है VPN बैन को इन इफेक्ट में, तो किस तरीके से इसको आगे वो चलाते हैं। क्योंकि बैन करना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है कि भाई लोग कितने सारे तरीके निकाल लेते हैं बाईपास करने के लिए। यहां पे जो मेन दिक्कत है वो हम जैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं है, मतलब आपके जैसे यूजर्स के लिए नहीं है जो जिनको बंद दरवाजों के पीछे यूज करना है, बल्कि उन साइबर क्रिमिनल से गवर्नमेंट को दिक्कत है जो कंट्री को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। तो आपको क्या लगता है इस VPN के पूरे सिस्टम के बारे में? क्या आप इसको एक ऐसे एंगल से देख रहे हो कि चाइना में जिस तरीके से सारी की सारी वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और बाकी गवर्नमेंट्स जो सारे अपने कब्जे में रखना चाहती हैं, तो क्या उस तरीके का कुछ आपको नजरिया दिख रहा है, या फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि भाई वाकई में जो साइबर अटैक्स होते हैं या साइबर सिक्योरिटी होती है, ये उससे रिलेटेड ये VPN का बैन लेके आया जा रहा है? तो आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे बैन के सिस्टम के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो सकास्टिक सिंधी। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।